तो हमने अभी तक वेरिफिकेशन रूल पढ़ा, ठीक है, वेरिफिकेशन किया है। नाउ एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करने के बारे आएंगे, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? तो एलसीएम एचसीएफ इन्हीं फैक्टर्स और मल्टीपल्स का ही रोल होता है। एलसीएम निकालना मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल वो होता है एलसीएम। तो एलसीएम हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन सॉल्विंग फ्रैक्शंस, रैशनल नंबर्स, ठीक है, और सी बहुत सारी चीजों में काम आता है। वैसे ही एचसीएफ भी बहुत जगह में काम आता है ना। एचसीएफ भी हम फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स मींस जो छोटे नंबर्स होंगे जिसके जिसके टेबल में आएंगे को लिखते हैं, उसका भी बहुत जगह रोल होता है। डिवाइड करने में, कैंसिल करने में नंबर्स को एचसीएफ का रोल होता है, ठीक है। फ्रैक्शंस को मिनिमाइज करने में फ्रैक्शंस का रोल होता है। तो इस तरह से बहुत सारे यूज है उनके। तो एचसीएफ आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसी का मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल या मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या है? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and so on, 6, 12, 18, 24, 30, 36 and so on। तो इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे? दोनों का टेबल में आप मिलाइएगा, 12 आएगा, 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, और आप देखते जाओ तो और आगे आएगा, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 12 है। तो इसका एलसीएम जो है 12 आएगा। हालांकि वर्ड इसमें एल मीन्स लोवेस्ट यूज होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हालांकि इसमें लोएस्ट होता है लेकिन मल्टीपल से इसलिए बड़ा होगा हमेशा। फैक्टर एचसीएफ से हमेशा बड़ा यूज होगा। देखो 4 और 6 का एचसीएफ कितना है? 2, और एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम कितना है? 12 आया, दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो हमेशा एलसीएम जो है हमेशा बड़ा होगा एचसीएफ से। हो सकता है इन दोनों नंबर से बड़े नंबर में भी एचसीएफ हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, दोनों नंबर का छोटा नंबर एचसीएफ हो सकता है। तो हमेशा एचसीएफ विल बी लेस देन एलसीएम, ओके, ठीक है, इतना समझ में आएगा होगा। नाउ कमिंग टू द फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मीन्स एलसीएम एचसीएफ निकालने के और दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको। दूसरा कहलाता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करता है लेकिन उसमें कंबाइंड फॉर्म होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले देख लो क्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स इसमें प्राइम नंबर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ 16 और 24, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। तो किससे जाएगा? 6 इवन नंबर है, 2 से जाएगा 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से, ठीक है, इसको 2 से करेंगे, 2 1 2 2 2, फिर 6, फिर 3, फिर 3 से जाएगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब 16 इक्वल टू इन पे फैक्टर्स लिखते जाएंगे, 2 into 2 into 2 into 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 लिखना चाहो आप लिख सकते हो, 24, 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। अब कॉमन दोनों में 2 है तो कॉमन हो गया। तो एच सी एफ जब लिखना है तो सिर्फ कॉमन्स को लिखेगा, 2 2 2, 2 कॉमन की जगह 1, 2 की जगह 1, दोनों में 2 कॉमन है तो 2, दोनों में फिर कॉमन, फिर कॉमन। एलसीएम में थोड़ा सा फर्क आता है, कॉमन को तो लिखेंगे उसके बाद जो बच गया है ये 2 into 3, ठीक है, ये हो गया 8 या 48, ठीक है। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट आता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड भी इसी की तरह है, थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ठीक है, मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो होगा कि उसमें आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। जैसे हम उसमें अलग अलग लिख देते 16 और 24, इसमें कंबाइंड फॉर्म हमको ये देखना है कि दोनों किससे जा रहे हैं। 2 से जाएगा, यहाँ पे सिंपल है, 2 8 जा, अभी भी 2 से जाएगा, 2 के टेबल 4 6 स्टिल 2 के टेबल में जाएगा, अब नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका एच सी एफ क्या होगा? 2 into 2 into 2, इसमें अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इधर के नंबर्स को सिर्फ लिखोगे तो वो एच सी एफ हो जाएगा,
पूरा मिलावट एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये इधर का भी लिखेंगे, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोनों मेथड है, ये कहलाता है डिवीजन मेथड। जो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीन मेथड है कहा जाए तो, एक मल्टीप्लिकेशन टेबल मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक डिवीजन मेथड। तो तीनों मेथड कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे, ओके। सो दिस इज कंप्लीट ऑफ योर दिस कॉन्सेप्ट। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1, ओके।